निरीक्षण में गए आईपीएस को मुस्लिमों ने भगाया, फिर योगी का फूटा गुस्सा, मुस्लिमों ने दलित लड़के की शादी को रोका, टूट गई एक हिंदू लड़की की शादी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक दलित परिवार की शादी थी और उस परिवार को कुछ कट्टर मुस्लिमों ने रोक दिया और बारात को वापस भिजवा दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो आप इस वीडियो में देखिए कि एक आईपीएस ऑफिसर पूरे थाने की पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचा और मुस्लिमों का भयंकर इलाज किया। बता दें कि पहले तो एक दरोगा ही गए थे, लेकिन दरोगा को इन लोगों ने मारकर भगा दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद जब आईपीएस को इस खबर के बारे में पता चला तो वो तुरंत अपने रिजर्व पुलिस बल और थाने के सभी पुलिस ऑफिसर के साथ घटना स्थल पर पहुँचे। गाँव में जाकर इन कट्टरपंथियों के घर पर बुलडोजर भी चला और इन लोगों ने क्या बड़ी गलती की थी बताते हैं आपको। दरअसल इसी गांव में एक छोटा दलित परिवार रहता था, उसके घर में शादी थी और बारात भी आई, लेकिन उसे वापस जाना पड़ा, बस सिर्फ इसलिए कि ये कट्टर नहीं चाहते थे कि इनकी शादी पूरी हो। आखिर इन लोगों की मंशा कितनी खराब है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन लोगों पर कार्रवाई सही हुई या फिर नहीं। बता दें कि यूपी के संभल जिले में जहां वाल्मीकि समाज से आने वाली एक बेटी की शादी में बारात जाने तक भारी पुलिसकर्मी मौजूद रहे और ये शादी संभल जिले में काफी चर्चा में भी रही। चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ 60 पुलिसकर्मी, 13 दरोगा और खुद एसपी साहब ने मोर्चा संभाल रखा था। दरअसल इस पिता ने अपनी बेटी की शादी में कुछ लोगों की तरफ से बाधा डालने की आशंका जताई थी और एसपी साहब से मदद भी मांगी थी, जिसके बाद एसपी ने भारी पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दिया और धूमधाम से शादी करने के आदेश दे दिए। ऐसे में दलित परिवार की बेटी की शादी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई और इस दौरान खुद एसपी साहब ने बेटी की शादी में 11,000 रुपए का कन्यादान भी दिया। दलित समाज के राजू चौहान ने पुलिस को बताया था कि गांव में बैंड बाजे के साथ हमारी बारात निकालने नहीं दी जाती है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी बैंड बाजे के साथ करना चाहता हूं और उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। इसके बाद एसपी साहब ने खुद अपनी टीम के साथ पहुंचकर दलित परिवार की बेटी की शादी काफी धूमधाम से करवाई और इस दौरान पूरे गाँव में जगह जगह पुलिसकर्मी भी तैनात रहे और पुलिसकर्मी शादी की शुरुआत से लेकर बेटी की विदाई तक वहीं गांव में मौजूद रहे ताकि इस परिवार को किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना झेलनी पड़े। ऐसे में अब दलित परिवार के लोग एसपी साहब की काफी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार है कि एसपी साहब की वजह से ही ये शादी मुमकिन हो पाया। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।